तीन राज्यों में हुई कांग्रेस की जीत ने 2019 चुनावों के लिए बन रहे महागठबंधन में एक बार फिर जान फूंक दी है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी राहुल और सोनिया की तारीफ कर ये जता दिया है कि 2019 में उन्हें राहुल गांधी मंजूर हैं। दो हजार उन्नीस में महाराष्ट्र के साथ ही देश के संसदीय चुनाव भी होने हैं। इन चुनावों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में अभी से हलचल दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के सतारा में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राहुल और सोनिया की तारीफ कर संकेत दे दिया है कि उन्हें महागठबंधन के रूप में राहुल गांधी मंजूर हैं। इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, दोन हत्या झाल्याच्या नंतर सुद्धा देशाच्या गरीब माणसाचं सेवेत चालू ठेवणार ही भूमिका घेऊन जर सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी आज काम करत असतील तर त्याच्याबद्दलचा अभिमान वाटतो। पण प्रधानमंत्री फक्त एकच सांगतात की एका कुटुंबाने वर्तव्य केलं, एका कुटुंबाने वर्तव्य कसं वाटतं। शरद पवार के इस बयान से दिल्ली में बैठे कांग्रेसियों के चेहरे बिखर उठे हैं। स्वाभाविक रूप से जो उन्होंने बात कही है वो सही कही है, वो इशू तो पीछे चला गया और 2004 से लगातार शरद पवार जी हम लोगों के साथ रहे हैं, अलायंस में रहे हैं, मिलके चुनाव लड़े हैं, मंत्री रहे हैं वो भारत सरकार में 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में, तो वो पुरानी बात थी जो खत्म हुई। और हृदय परिवर्तन अभी नहीं, पहले ही उन्होंने बहुत साफ कर दिया था। सोनिया जी का नेतृत्व माना, वो यूपीए की चेयरपर्सन है, तो स्वाभाविक रूप से वो बीती बात बिसारिए, आगे की सुध ले। शकील अहमद के अलावा इसी साल एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तारिक अनवर भी पवार के बयान की प्रशंसा कर रहे हैं। अगर एनसीपी और पवार साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस का नेतृत्व चाहे वो सोनिया जी हों या राहुल जी हों वो सही है, देश हित में है, राष्ट्रीय हित में है, तो मैं समझता हूँ कि अब पुरानी बातों को याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। तारिक अनवर उन तीन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर 1999 में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का गठन किया था। तारिक अब कांग्रेस में हैं और शरद पवार सोनिया राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करने का संकेत दे रहे हैं। इससे पहले विपक्षी खेमे में डीएमके प्रमुख स्टालिन राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर कबूल कर चुके हैं। आई प्रपोज वी विल इंस्टॉल ए न्यू प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, वी बिल्ड ए न्यू इंडिया एज अ सन ऑफ द तलेवर कलेंगर। आई प्रपोज द कैंडिडेचर ऑफ राहुल गांधी फ्रॉम तमिलनाडु। वेलकम राहुल गांधी। स्टालिन के बाद शरद पवार का आया बयान ये बता रहा है कि 2019 के लिए विपक्षी खेमे ने रणनीति बदल दी है। हालांकि बीजेपी अब भी कह रही है कि पीएम दावेदारी को लेकर विपक्ष में झगड़ा बाकी है। सर, शरद पवार साहब के सुर बदल रहे हैं? देखो, मैं तो समझता हूँ कि नेतृत्व करने की क्षमता तो शरद पवार साहब में भी है, मायावती जी में भी है, अखिलेश यादव में भी है, चंद्रबाबू नायडू में भी है, लेकिन ये तो तय करें कि इनका नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए जो है वो कोई कहता है कि जी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बहन जी होनी चाहिए, कोई कहता है भाई जी होना चाहिए, कोई कहता है चाचा जी होना चाहिए, कोई कहता है मामा जी होना चाहिए, कोई कहता है भतीजा जी होना चाहिए, कोई कहता है दादाजी होना चाहिए। तो पहले तो ये तय करें कि इस परिवार में किसका इस गठबंधन का नेता कौन है। अब दिक्कत ये है कि गठबंधन से पहले, गठबंधन बना नहीं उससे पहले गठरियां लोगों ने बांध ली। विरोधियों पर बीजेपी का हमला स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से तीन राज्यों में जीत के बाद राहुल का कद विपक्षी खेमे में बढ़ा है, उससे विपक्षी एकता राहुल के नेतृत्व में मजबूत होती दिख रही है। यानी 2019 में मोदी के मुकाबले के लिए राहुल गांधी मजबूती से खड़े हो रहे हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।